कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन में जहां इसके बचाव के लिए लोग अपने घरों में रहकर इससे बच रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराजगंज थाना के धनछुआ पुल के समीप शरारती तत्वों ने एक चाय दुकान को आग के हवाले कर पूरी तरह से जला डाला है, जिससे दुकान में रखे हजारों के सामान जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है। घटना उस समय की है जब दुकानदार कोरोना से बचने के लिए सरकार के लॉकडाउन का पालन कर अपनी दुकान को बंद कर अपने घर में रह रहा था। हालांकि इस शर्मसार कृत्य को लेकर शरारती तत्वों की आलोचना चारों तरफ हो रही है। बता दें कि दरंदा थाना क्षेत्र के बोधा छपरा निवासी चाय दुकानदार मनोहर ने बताया कि हम लोगों से पता चला कि दुकान में आग लगी है। जब हम दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान जलकर राख हो चुकी थी तथा दुकान में रखे हजारों के सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ऐसे में अब इस मुश्किल घड़ी में परिवार का भरण पोषण किसी तरह चल रहा था। अब दुकान में रखे हजारों के सामान जल जाने से परिवार चलाने के लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है एवं परिवार का भरण पोषण की चिंता सताने लगी है। एटीएन लाइव के लिए साहिल की रिपोर्ट। दुकान में रात को 11:30 बजे हमारे पास गुरु भाई फोन किए थे कि आपके दुकान में आग लग गया है और दुकान सारा जल गया है। उस समय हम उठे और अपने बाइक से आए दुकान पे तो देखे सारा जल गया है और लोग बुता भर दिया था।